हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फोर क्लास सिक्स मैथमेटिक्स की है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम इंटीजर्स का एडिशन सीखेंगे, ठीक है, नंबर लाइन का यूज़ करके। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो क्या दिया गया है, इन व्यमिनी कुमार्स हाउस देयर आर स्टेयर्स फॉर गोइंग अप टू द टेरेस एंड फॉर गोइंग टू द गोडाउन। यहाँ पे देखिए ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, इसमें ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं टेरेस पे वो प्लस से दिखाई गई हैं, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी ऊपर की संख्या को हम प्लस दिखाएंगे। और गोडाउन में बेसमेंट में जाने के लिए नीचे माइनस में दिखाएंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर को हमने जीरो माना हुआ है, तो जीरो से नीचे माइनस की संख्याएँ, जीरो से ऊपर प्लस की संख्याएँ। इसी तरह से हमने सीढ़ियों को माना। लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ स्टेयर गोइंग अप टू द टेरेस पॉजिटिव इंटीजर, और नीचे जाने के लिए हमने समझ लिया नेगेटिव इंटीजर। अब हम समझेंगे गो, अब देखिए क्या दिया गया है, गो फाइव स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से आपको फाइव स्टेप्स अप जाना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव अप जाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस फाइव। थ्री स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से थ्री स्टेप डाउन जाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। गो टू सिक्स स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, अप गए ग्राउंड फ्लोर पे, प्लस छः हो गया। एंड देन गो टू स्टेप्स अप फर्दर फ्रॉम देयर, अब और दो स्टेप ऊपर जाना है तो प्लस सिक्स में, प्लस दो और ऊपर जाना है तो प्लस एट पे पहुंच जाएंगे, प्लस सेवन प्लस एट कितना हो जाएगा, प्लस एट। छः सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े, दो और चढ़ गए तो आठवीं पे चले गए ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, गो थ्री स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से थ्री स्टेप्स डाउन गए यानी माइनस थ्री पे गए। उसके बाद क्या कह रहा है, देन गो फर्दर फोर स्टेप फ्रॉम देयर, और भी नीचे जाना है फोर स्टेप आगे, तो माइनस थ्री और माइनस फोर यानी कितने हो गए, माइनस सेवन, तो कितने पे पहुंच जाओगे, माइनस सेवन पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट देखिए, गो डाउन फाइव स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, फाइव स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर डाउन जाना है तो कितना चला जाएंगे, माइनस फाइव पे चले जाएंगे। एंड देन मूव अप सेवन स्टेप फ्रॉम देयर, और उससे ऊपर जो है सेवन स्टेप ऊपर जाना है तो ऊपर जाएंगे, तो देखिए फाइव तो जीरो पे यहाँ आ जाएंगे, दो स्टेप और ऊपर यानी इसमें क्या हो जाएगा, प्लस सेवन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस दो पर हम पहुँच जाएंगे। क्लियर है बेटा, पहले नीचे पाँच गए फिर ऊपर सात गए, तो नीचे जो है सात में से पहले पाँच घटाओ फिर ऊपर आओगे तो दो ऊपर चले गए ना, तो प्लस दो पे चले जाओगे। नेक्स्ट देखिए, गो सिक्स स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से सिक्स स्टेप अप यानी छः पे पहुँच गए, प्लस छः, और ग्यारह स्टेप नीचे आना है तो माइनस ग्यारह, माइनस इलेवन नीचे आना है ना, तो माइनस इलेवन नीचे आओगे तो कितना आ जाएगा, इलेवन में से सिक्स माइनस करो, माइनस फाइव पे यानी माइनस फाइव पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कि कंक्लूजन ये है कि अगर दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसे माइनस थ्री है और माइनस फोर है तो आंसर हमारा माइनस सेवन आया। थर्ड है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव में कब आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर में नंबर ज़्यादा है, जैसे माइनस इलेवन और प्लस सिक्स, तो आंसर हमारा माइनस फाइव आएगा, क्योंकि माइनस इलेवन ज़्यादा है, इलेवन का माइनस जो है वो ज़्यादा है। थर्ड देखिए, फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव आंसर कब आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव कब आएगा, जब पॉजिटिव की जो नंबर है वो ज़्यादा हो। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो प्लस सिक्स है और माइनस फोर है तो हमारा आंसर प्लस टू आएगा, घट जाएंगे ये, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन आंसर प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या का मान ज़्यादा है। अब हम देखिए एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का नंबर लाइन पे। तो इंटीजर्स का एडिशन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको थ्री स्टेप्स, जीरो से थ्री स्टेप्स आपको जो है आगे जाना है, राइट जाना है। तो देखिए ये जीरो है तो राइट में हमेशा सारे पॉजिटिव और लेफ्ट में हमेशा सारे नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए जीरो ये है, जीरो से थ्री फर्स्ट वी मूव राइट, जीरो से तीन जो है राइट जाएंगे, और फिर फोर स्टेप जो है हम और आगे जाएंगे, तो और आगे गए तो प्लस थ्री और प्लस फोर कितना हो गया, प्लस सेवन, तो आंसर हमारा प्लस सेवन आ जाएगा। दूसरा है फर्स्ट वी मूव टू स्टेप्स टू द लेफ्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से आप जो है टू स्टेप कहाँ गए, लेफ्ट की तरफ, तो टू लेफ्ट की तरफ, तो माइनस लिखेंगे, माइनस टू, और फर्दर जो है माइनस फाइव और आगे गए तो कहाँ पहुँच गए, माइनस सेवन पे। माइनस फाइव और माइनस टू दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर हमारा माइनस में ही रहेगा क्योंकि दोनों ही माइनस में है, लेकिन दोनों जो है ऐड हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड है, उसके बाद फर्स्ट वी मूव सिक्स स्टेप्स टू द राइट, जीरो से छः स्टेप हम राइट में जाएंगे, ठीक है, एंड देन वी मूव टू स्टेप्स टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट में वापस टू स्टेप, तो पहले प्लस में छः गए फिर माइनस में टू गए, उल्टे गए, तो उत्तर हमारा फोर में आएगा, प्लस में आएगा, फोर आएगा और प्लस में आएगा। नेक्स्ट देखिए,
पहले हम कहाँ गए, वी मूव फाइव स्टेप्स टू द लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट में गए फाइव स्टेप्स, ठीक है, उसके बाद फोर स्टेप्स टू द राइट, फिर वापस फोर स्टेप राइट में गए, तो माइनस का फाइव फोर प्लस का फोर कितना आ गया, माइनस का वन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर लाइन का यूज़ करके आपको इंटीजर लिखना है, विच इज़ यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़, ठीक है, फाइव मोर देन थ्री, तो नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हो, ज़ीरो फाइव मोर देन थ्री, तो कितना आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, तो आप जो है पहले फाइव पे हो, फाइव मोर देन थ्री, नहीं पहले थ्री पे हो, फिर पाँच जो है और आगे जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, आठ पे चले जाओगे ना, तो प्लस फाइव और प्लस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस एट जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको इसी तरह से करिए बेटा, नंबर लाइन भी आपको इस तरह से शो करना है जैसे आपको ये ऊपर दिखाए गए ना, हमने अभी समझे, ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, थ्री लेस देन टू, टू थ्री जो है, थ्री लेस देन टू, तो पहले हम कहाँ गए, पहले हम वन और टू, पहले हम गए जीरो से टू पे, अब हम कहाँ जाएंगे, फिर कह रहा है थ्री लेस, तो ये यहाँ पे माइनस वन माइनस टू, अब देखिए थ्री लेस में अब हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ से हम वापस जाएंगे तो वन टू थ्री, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए माइनस वन पे, तो उत्तर हमारा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है। तो ये नंबर लाइन बनाइए साथ में और आंसर लिखिए, आंसर लिखेंगे टू माइनस थ्री, आंसर आ गया माइनस वन, ऐसे आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए सी, वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए, थ्री लेस देन माइनस थ्री, तो ज़ीरो वन टू थ्री, अब देखिए थ्री लेस देन माइनस थ्री, अच्छा इसको हम जो है ऐसे करेंगे, यहाँ पे आप ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस सिक्स, अब इसमें देखिए थ्री पे गया हुआ है, थ्री लेस देन माइनस थ्री पे है, उससे भी तीन कम जाना है, तो तीन कम जाते हैं तो बेटा माइनस में जितना माइनस की संख्या बढ़ेगी ना उतना वो कम होती है, जैसे माइनस छः कम है किससे, माइनस वन से, तो इसीलिए माइनस थ्री से और थ्री आगे जाना है हमें, कम जाना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस थ्री हमारा आंसर आएगा माइनस सिक्स, ठीक है। तो माइनस सिक्स पे हम पहुँच जाएंगे, इस तरह से नंबर लाइन भी दिखाना है और ये भी शो करना है, वीडियो पॉज करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है, तो देखिए 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा, ये प्लस का है, आंसर हमारा आ जाएगा प्लस का 9, क्योंकि 21 में से 12 21 में से 12 घटाइए आपको 9 मिलेगा, लेकिन प्लस का मिलेगा। अब देखिए माइनस 25 और माइनस 61 कितना आ जाएगा, माइनस 86, आंसर हमारा माइनस में रहेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, माइनस 56 और 39 माइनस में आंसर रहेगा माइनस 17, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।